चैनल पर आपका स्वागत है। आज का मुख्य समाचार भारत बंद। आज भारत बंद क्या है वजह, तो ये खासकर जो है क्रिमिनल लेयर जो एस सी एस टी में किया गया रिजर्वेशन में, उसके कारण से बंद की गई है। बंद का असर बिहार, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और दिल्ली में भी हो रहा है। अस्पताल हो या स्कूल, बेटियां महफूज नहीं, कब कहां और क्या हुआ कोलकाता कांड से जुड़ा हुआ। विरोध प्रदर्शन, लाठीचार्ज, बवाल, बदलापुर में अब तक क्या क्या हुआ 10 पॉइंट में समझे। तो वहां पर भी जो है 3 साल के बच्ची के साथ जो है छेड़खानी किया गया है। आज का मौसम है, यूपी उत्तराखंड में जारी हुआ येलो अलर्ट। आज दिल्ली का मौसम कैसा रहेगा ये देखिए। मानसून की बारिश का दौर जारी, दिल्ली में आज बूंदाबांदी, कल से होगा झमाझम। कोलकाता रेप केस, सुप्रीम कोर्ट ने किया अरुणा शानबाग केस का जिक्र। 22 साल तक जिंदा लाश बनकर रही। डॉक्टर के माता पिता ने 3 बजे ही जताया था हत्या का शक, FIR दर्ज करने में लग गए 9 घंटे ही। सुप्रीम कोर्ट ने ममता सरकार को फटकार लगाई। जाकिर नाई के खिलाफ होगी कार्रवाई। मलेशियाई PM का वादा, हिंदुओं के खिलाफ उगलता है जहर। क्या जाकिर नाई को भारत को सौंपे मलेशिया, सवाल पर दिल्ली दौरे पर आए PM अनवर इब्राहिम ने बताया। आज भारत बंद है, बहुत से संगठन शामिल है। ट्रेन डॉक्टर सेमिनार हॉल में सोने की हो गई, CBI जांच से खुला राज, कई अफसर पुलिस विवश किया गया सोने के लिए। अब रूस में भी हर और तबाही का मंजर, यूक्रेन से अपना घर बचा रहे पुतिन, लाखों रूसी भागे। यूक्रेन के पलटवार ने रूस के लोगों की बढ़ाई चिंता, लेकिन पुतिन पर अब भी भरोसा। इसराइल हमास वार मिडिल ईस्ट में लौटेगी शांति, इसराइल ने गाजा युद्ध विराम प्रस्ताव किया। अमेरिका बोला गाजा में युद्ध विराम को तैयार है इसराइल, हमास के लिए क्या है प्लान। ईरान के छूटे पसीने नेतन्याहू ने दे दी ऐसी धमकी, इसराइल का फिर हमला, नेतन्याहू ने दी ईरान को धमकी। अमेरिका ने इसराइल को दिए कितने बम, जिससे दहल उठा गाजा और लेबनान। ये थे कुछ मुख्य समाचार। ये जानकारी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ अपने चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।